नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रीतम लखवाल। आज स्मरण कार्यक्रम में हम लेके आए हैं बंगाली सिनेमा के रेनेसा मैन के नाम से विख्यात अभिनेता सौमित्र चटर्जी दास्तान। अभिनेता सौमित्र चटर्जी ऐसी शख्सियत थे जिसने बंगाली और हिंदी सिनेमा को अपनी अभिनय आभा से आलोकित किया था। 450 से अधिक फिल्मों में अभिनीत उनके किरदारों ने खूब प्रसिद्धि पाई थी। वे बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार थे। सौमित्र चटर्जी अब हमारे बीच में नहीं हैं। बंगाली सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता सौमित्र चटर्जी का रविवार को निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। कोलकाता के बेलेव्यू क्लिनिक में रविवार दोपहर 12:15 बजे उनका निधन हो गया। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 6 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी सेहत में पहले कुछ सुधार दिखा और उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी आई, लेकिन बाद में उनकी शारीरिक जटिलताएं बढ़ने के कारण उन्हें अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में वेंटिलेटर पर रखा गया था। 19 जनवरी 1935 को कोलकाता के कृष्णा नगर में जन्मे सौमित्र चटर्जी ने अपनी फिल्मी जीवन की शुरुआत प्रख्यात फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार से की थी। इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने जॉय बाबा फेलूनाथ में फेलूदा का किरदार निभाया। विख्यात बंगला अभिनेता सौमित्र चटर्जी को वर्ष 2011 के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चटर्जी ने तपन सिन्हा, मृणाल सेन, अजय कार और तरुण मजूमदार की फिल्मों समेत 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी प्रमुख फिल्में अपूर संसार, देवी, दीन कन्या, चारुलता, कापुरुष, आकाश कुसुम, आशानी संकेत, सोनार केला, जॉय बाबा फेलूनाथ, हीरक राजारदेशे, गणशत्रु वे प्रथम बांग्ला व्यक्ति हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। इनका वास्तविक नाम उत्तम कुमार था। सौमित्र चटर्जी को भारत सरकार द्वारा सन 2004 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सौमित्र चटर्जी ने बंगाली सिनेमा जगत में एक अभिनेता और कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्रख्यात निर्देशक मृणाल सेन और तपन सिन्हा की फिल्मों में भी सौमित्र नजर आए। सौमित्र चटर्जी फिल्मों में आने से पहले एक रेडियो अनाउंसर के रूप में काम करते थे, लेकिन सत्यजीत रे ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और अपनी फिल्मों में विभिन्न तरह के रोल दिए। कहा जाता है कि खुद सत्यजीत रे ने भी इस बात को माना था कि कई फिल्मों की पटकथा उन्होंने सौमित्र चटर्जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। उनका फिल्मी सफरनामा इस प्रकार रहा। अपूर संसार से अभिनेता के रूप में फिल्मी जीवन की शुरुआत की। इस फिल्म के निर्देशक सत्यजीत रे ने किया था। देवी फिल्म का निर्देशन भी सत्यजीत रे ने किया था। खुदी तो पाषाण फिल्म का निर्देशन प्रख्यात निर्देशक तपन सिन्हा ने किया था। तीन कन्या फिल्म में अमूल्या के रोल में नजर आए थे और इसका निर्देशन भी सत्यजीत रे ने किया था। जिंदर बॉन्डी फिल्म में एक बार फिर उनको तपन सिन्हा के साथ काम करने का अवसर मिला था। 1961 में रे और तपन सिन्हा के अलावा अजीत सेन की दो फिल्मों में भी नजर आए थे। सत्यजीत रे की 34 प्रमुख फिल्मों में से 15 ऐसी फिल्में थी जिनमें सौमित्र चटर्जी ने अभिनेता के रूप में नजर आए थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग ने सौमित्र चटर्जी को श्रद्धांजलि के तौर पर उनके जीवन पर आधारित फिल्म सौमित्र रिविजिटेड प्रदर्शित की है। 46 मिनट के इस फिल्म में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं को पेश किया गया है। वे केवल फिल्म, नाटक और टेलीविज़न के अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि कवि, पेंटर, संपादक और ऐसे उत्साही खेल प्रेमी थे जिन्होंने ईडन गार्डन में हुए कोई भी मैच कभी मिस नहीं किया। फिल्म प्रभाग ने बताया कि सौमित्र चटर्जी की चित्रकारियों पर आधारित 16 मिनट की लघु फिल्म मास्टर टच भी फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर
उपलब्ध रहेगी। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसे ही और रोचक विषयों पर, व्यक्तित्व पर हम कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।